नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफी जगहों में बारिश दर्ज किया है, कुछ कुछ जगहों पे थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश हुआ, सबसे अधिकतम बारिश दर्ज किया है शाजापुर में 96 मिलीमीटर। और ईस्ट एमपी में वाइडस्प्रेड बारिश हुआ, सबसे ज्यादा बारिश हुआ है माऊगंज में 136 मिलीमीटर, वेरी हैवी रेनफॉल है, 5 स्टेशन से हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। और टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो सबसे अधिकतम तापमान ग्वालियर में 35.8 डिग्री दर्ज किया और ईस्ट एमपी में निवारी में 33.7 डिग्री दर्ज किया। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम में 3.1 to 4.5 किलोमीटर के बीच में है। नॉर्थ ईस्ट एमपी से एक ट्रफ लाइन वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरफ अभी चालू है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ गुजरात में है, 5.8 तक वो परसिस्टिंग है मेन सी लेवल से और टिल्टिंग टुवर्ड्स साउथ है। ये दो सिस्टम है अभी मेनली हमारे रीजन में एक्टिव, मतलब हमारे रीजन में बारिश और वेदर देने में। और ये सिस्टम के हिसाब से हमने अभी फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के लिए हमने काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश दिया है, मोस्टली आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। अनुपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है, मेनी प्लेसेस में चांसेस है। बाकी वार्निंग के लिए देखा गया तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म का चांसेस है और हेवी रेनफॉल वार्निंग हम स्पेशली अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, ये वेस्टर्न साइड में ये डिस्ट्रिक्ट में चांसेस है। और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे रीवा, मऊगंज, सिद्धी और शेडोल और अनुपुर, ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है आज के लिए। और कल के लिए देखा गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ रही है, नॉर्दर्न एमपी का शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, बाकी रीजन में आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे कटनी, उमरिया, शाडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और नॉर्थर्न एमपी में अशोकनगर, गुना में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल चांसेस है कल के लिए। चार तारीख को देखा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड हो रही है, सेंट्रल से नॉर्दर्न एमपी की काफी डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, ये लाइट ब्लू कलर में जो दिख रही है, बाकी सारे रीजन में फ्यू टू आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल लगभग ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एमपी के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और मतलब ग्वालियर, चंबल में भी शिवपुर कला, मुरैना और भिंड, ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और पांच तारीख को देखा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो रही है, बट बाकी मतलब सेंट्रल टू साउथ एंड ईस्टर्न साइड में आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। और ग्वालियर, चंबल में ग्वालियर, भिंड और इधर वेस्टर्न साइड में मंदसौर में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और थंडरस्टॉर्म वार्निंग लगभग हम हर मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए दे रहे हो, मानसून फ्लो एक बार प्रॉपर होने तक ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलते रहेंगे। और ये कंडीशन, सिमिलर कंडीशन 6 तारीख को भी हम ऑलमोस्ट यही रीजन पे दिया है थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। और शिवपुर कला में आइसोलेट मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, बाकी सारे रीजन में आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। अभी मानसून का सिचुएशन देखा गया तो मानसून आज एंटायर कंट्री कवर किया है 2 जुलाई को, वो नॉर्मल डेट से 6 दिन पहले है, 8 जुलाई है नॉर्मल डेट, 6 जुलाई को पूरा एंटायर कंट्री आज कवर किया है। और मानसून ट्रफ का पोजीशन देखा गया तो वो नॉर्दर्न साइड से अभी पास हो रही है, जैसे फिरोजपुर से मणिपुर की तरफ मतलब नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर है मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी। और कल हम IMD ने मंथली फोरकास्ट इशू किया है जुलाई 2024 के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश की काफी रीजन में, लगभग सारे रीजन में एबो नॉर्मल रेनफॉल का चांसेस है जुलाई में। ये जो ब्लू कलर में जो दिखा रही है एबो नॉर्मल है, ग्रीन कलर में जो दिखा रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। और टेम्परेचर में देखा गया तो मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट सारे रीजन में एबो नॉर्मल होने का चांसेस है, वो क्लाउडिंग की वजह से एबो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया तो ऑलमोस्ट सारे रीजन में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रही है, सिर्फ सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा एबो नॉर्मल का चांसेस है। थैंक यू।